नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं मुरादाबाद के आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल एवं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा पैडल साइकिल से कावड़ रूट, पीएसी 13 मुरादाबाद से अगवानपुर बाईपास संदलीपुर होते हुए कावड़ तक का निरीक्षण किया गया तथा कावड़ियों की सुविधा ग्रामवासियों से किया संवाद। पुलिस लाइन में शक्ति वुमेन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उद्घाटन पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल, अल्पना गुप्ता, एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा, अशोक कुमार सीओ क्राइम ब्रांच अपेक्षा कपाड़िया सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं ने दिखाया काफी उत्साह। मुरादाबाद शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बस चलने के विरोध में अंबेडकर पार्क में ऑटो चालकों की बैठक। अध्यक्ष किशन लाल ने कहा, जब से इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन शुरू हुआ है, ऑटो चालक व उनका परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। बैठक में बड़ी संख्या में ऑटो चालक रहे मौजूद। 41,000 में हुई 8 बाइकों की थाना सिविल लाइन्स में नीलामी। एआरटीओ एसीएम प्रथम व सीओ सिविल लाइन्स रहे मौजूद। बड़ी संख्या में उमड़ी नीलामी में शामिल होने वालों की भीड़। प्रदूषण थामने के लिए अभियान चला रहे नगर निगम ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी। निगम ने बरामद सामग्री को जब्त कर कारोबारी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने मुरादाबाद रेल डिवीजन के रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। जीएम ने कोटद्वार से लेकर नजीबाबाद और मौजमपुर रेलवे स्टेशन से लेकर बिजनौर होते हुए गजरौला की स्पीड का जायजा लिया। बताया कि अगले साल जून तक इन सभी स्टेशन एरिया में स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। मैंने मंडल रेल प्रबंधक और उनके अन्य सहयोगी और हेडक्वार्टर से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ कोटद्वार से लेके नजीबाबाद और फिर मुअज्जमपुर से लेके बिजनौर होते हुए गजरौला इस रेलखंड का निरीक्षण किया। इन दोनों रेलखंडों में स्पीड जो चल रही है वो कोटद्वार नजीबाबाद में 50 km/h है और मुअज्जमपुर से लेके गजरौला के बीच में पहले 50 होती थी, उसको हमने अपग्रेड कर दिया, 100 हो गई है स्पीड। लेकिन स्टेशंस में अभी भी जो स्टेशन एरिया में अभी भी 50 की स्पीड चल रही है क्योंकि उसमें सिग्नलिंग का अपग्रेडेशन होना है। पुलिस को चुनौती देते हुए रोडवेज पुलिस चौकी के बराबर में चोरों ने पान बीड़ी की दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए का माल साफ कर दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में भी शौचालय बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। मार्च माह तक 2050 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। मुरादाबाद और उसके आसपास के जिलों रामपुर, अमरोहा व संबल में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। मुरादाबाद में बुधवार को तापमान न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम हुआ। आयोजन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को किया सम्मानित, दी शुभकामनाएं।